अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं नेचर विस्पर्स। रहीम, आज मैं आपको सिखा रही हूँ सर्दियों का खास तोहफा यानी गाजर का हलवा। इसके लिए मैंने ले ली हैं 2 किलो गाजर और उनको मैंने कर लिया है ग्रेट। चले चलते हैं बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बाकी के इंग्रेडिएंट्स के लिए हैं हमें चाहिए खोया। खोया है 400 ग्राम, 400 ग्राम ही चीनी है, 150 ग्राम घी लिया हुआ है, 1 किलो दूध है और ऊपर हम टॉपिंग के लिए, गार्निशिंग के लिए हम अंडे और जो भी मेवाजात आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकती हैं, जिसमें मैंने गिरी ली है, किशमिश ली है, बादाम लिए हैं और मैंने 2 इलायची दी हैं। ये हम जब हलवा बनाएंगे तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। आँच पे चढ़ा दिया हुआ है, जैसे ये गल जाएंगी तो उसके बाद हम आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताएंगे। अभी हम गाजरों को नरम करते हैं, गलाते हैं और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे। मतलब जैसे ही थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा हलाते हैं तो उसके बाद फिर हम इसको कवर कर देंगे गलने तक। अब मैं आपको ढक्कन उठा कर दिखाती हूँ कि देखें गाजरों का कलर भी चेंज हो गया है और इसमें जो तो गाजरों का थोड़ा सा पानी था वो भी कम हो गया है, लेकिन इतना कम नहीं हुआ। हमने गाजरों को बिल्कुल ड्राई करना है, उसके बाद फिर हम इसमें इलायची डालेंगे और बाकी दूध वगैरह शामिल करेंगे, खोया शामिल करेंगे, लेकिन पहले बिल्कुल हमने गाजरों का पानी जो है वो ड्राई कर लेना है। दोबारा से मैंने इसके ऊपर कवर दे दिया है ताकि जो गाजरों का पानी है वो ड्राई हो जाए। अब मैं एक दफ़ा फिर चेक करती हूँ। देखिए पानी, गाजरों का पानी जो है वो खुश्क हो गया है। पानी गाजरों में हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला था, गाजरों ने अपना पानी छोड़ा था। जो गाजरों ने अपना पानी छोड़ा था हमने उसी को खुश्क किया है। इसके बाद हम इसमें 2 जो इलायची मैंने रखी हुई थी उसकी सिर्फ दाने हमने निकाल के इसके अंदर डाल देने हैं। छिलका हमने नहीं डालना, सिर्फ दाने डालने हैं और इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा हलाना है और इसके बाद हम इसमें फिर दूध शामिल कर देंगे। 1 लीटर दूध जो है अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब हमने ना दूध को खुश्क करना है, गाजरों को दूध में गलाना है। जैसे ही दूध इसमें ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, तो फिर हम इसमें चीनी और जो है वो खोया इसमें डाल देंगे और उसके बाद फिर जब ये इसकी शक्ल निकल आएगी, जब हम आपको दिखाएंगे, तो इसके बाद हम इसमें मेवाजात डालेंगे। बहुत इजी, बहुत ही क्विक रेसिपी है और इसका टेस्ट इतना अच्छा होगा जब आप खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे, तो फिर आपको इसके टेस्ट का पता चलेगा। चलिए अब हम जो दूध को, दूध के ड्राई होने का इंतजार करते हैं, इसको मैं एक दफ़ा फिर कवर कर देती हूँ और मैं बार बार चेक करती रहूँगी, ये ना हो कि दूध जो है वो लग जाए। आप चाहें तो आप इसको इसके ऊपर कवर ना भी रखें ताकि ये ना हो कि दूध लग जाए या जो गाजरें हैं वो जल जाएँ। तो चलिए चलते हैं, हम खुश्क दूध होने के बाद मिलते हैं हम आपसे। ये देखिए जो दूध है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुश्क हो रहा हुआ है। मैंने इसको कवर नहीं किया क्योंकि अगर हम कवर करेंगे तो दूध जो है वो खुश्क होने में ज़रा टाइम लेगा, तो इसलिए मैंने कवर नहीं किया। आप चाहें तो कवर भी कर सकते हैं ना, अगर आपको जल्दी है तो आप इसको कवर मत करें, क्योंकि गाजरें तो ऑलरेडी जो अपने ही पानी में गल चुकी हुई थी, तो दूध दूध के साथ की मज़ीद गलेंगी, तो आप इसको कवर ना कीजिएगा। ये देखिए पानी तकरीबन, वो दूध जो है वो तकरीबन खुश्क हो गया हुआ है। तो अब इस मौके पे हम जो है वो चीनी डालेंगे, चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी तो हमने उसको भी खुश्क करना है, इसलिए हमने दूध को बिल्कुल ड्राई नहीं किया था। अब अभी चीनी डालेंगे और फिर हम चीनी को इस तरह मिक्स करने के बाद अच्छी तरह फिर हम दूध को इस मौके पर ड्राई कर लेंगे। अभी देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक तैयार हो गई है। चीनी को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए और इस पानी को और दूध को खुश्क कर लीजिएगा। आपको एक और बात बताती चलूँ कि चीनी जो है इसको, जो आपका मीठा होता है उसमें एक शाइन लेके आती है। वो जो शाइन होती है वो चीनी ही की वजह से होती है, चाहे वो ज़र्दा हो या फिर आप कोई भी मीठा बना दें जो खुश्क मीठा होता है, तो उसमें जो शाइन होती है वो चीनी की वजह से ही होती है। अभी देखिएगा फाइनल लुक, आप देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की शाइन आएगी। अब आप देख रही हैं कि जो हमने दूध बिल्कुल खुश्क नहीं किया था, थोड़ा सा था, जब चीनी डाली तो चीनी और गाजर और दूध मिलके थोड़ा सा और पानी हो गया है, तो हम इनको ड्राई कर लेंगे। अब देखें जैसे ही पानी कम हो जाएगा, बिल्कुल खुश्क हो जाएगा दूध और पानी, इसके बाद हम फिर घी डालेंगे। ये बात याद रखनी है कि हम इसमें ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे, घी इस्तेमाल करेंगे, और अगर देसी घी हो तो क्या ही बात है। देखिए पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ, बस थोड़ा सा रह गया, नियर टू ड्राई है, तो इस मौके पे अब हम इसमें घी डाल देंगे और घी डाल के हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये
घी ऐड करने हैं। घी ऐड करने के बाद उसको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। जैसे ही घी अपना हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जैसे घी अलग हो जाएगा उसके बाद फिर हम इस घी अलग होने के बाद हम इसमें डालेंगे खोया और फिर हम करेंगे गार्निशिंग और फिर हम करेंगे इसको सर्व। घी डालने के बाद और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको भुनने के बाद कितनी ज़बरदस्त किस्म की शाइन आ गई है। इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए और भुने ताकि घी बिल्कुल सेपरेट हो जाए। ये देखें जी, घी अलग होना शुरू हो गया। आपको नीचे नज़र भी आ रहा होगा कि घी अलग होना शुरू हो गया। अब इस मौके पे हम खोया ऐड करते हैं। खोया ही गाजरों के हलवे की जान है। 400 ग्राम खोया, ये खोया डाल दिया हमने। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर जैसे ही खोया मिक्स हो जाएगा तो हम इसको करेंगे सर्विंग के लिए पेश। मुझे हो रही है इसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग, तो मेरा दिल चाह रहा है ये जल्दी पके और मैं इसको खाऊं। ड्राई फ्रूट, अब ये खोया इसमें मिक्स हो गया हुआ है अच्छी तरह। तो अब इसमें हम इसमें जो गरी थी नारियल वो डालेंगे और इसमें किशमिश डालेंगे। इस मौके पे थोड़ा बादाम डालेंगे। बादाम में मैंने गर्म पानी में डाल के इसके मैंने छिलके अलग कर दिए और इनको मैंने 200 में तकसीम कर दिया है। इनके मैंने 2 हिस्से कर दिए क्योंकि ज़रा तकसीम तो चलती रहती है। वो क्या कहते हैं कि जेर बन ज़बर ना बन मती पेश आई, इसे याद आ गया मुझे। तो ये इसके हमने 2 हिस्से कर लिए और इसको भी हम इसमें डालेंगे। अब इसमें हम डालते हैं नारियल, किशमिश जिसको पंजाबी में हम सोगी कहते हैं, और साथ में बादाम, और इनको भी अच्छा मिक्स कर लें। ये हलवे की फाइनल लुक तैयार है। अब हम इसको सर्विंग के लिए पेश करते हैं। दार गाजर का हलवा तैयार है। इसको इसी तरीके से बनाइएगा, नाप के बनाइएगा, तो आपका हलवा हमेशा एक ही तरह का बनेगा और एक किस्म का टेस्ट आएगा। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि जब हमारी माएँ या हमारी जो ग्रैंड माँ थी, दादो या नानो, जब हलवा बनाती थी तो उन्होंने कभी नाप के नहीं बनाया था, लेकिन उनके हाथ में एक नाप था। उनको पता था कि उन्होंने कितनी चीज़ कितना क्वान्टिटी में बनानी है। उन्होंने मतलब उनके पास मेजरिंग कप नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से जो भी उनके पास बर्तन था उसमें मेजरमेंट वो अपने हिसाब से कर लेती थी। मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना अपने प्यारों का और जहाँ तक हो सके लोगों का ख्याल रखिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबा।